बारह जिलों से होते हुए पहुंच गए असेंबली में काशिफ मगर ये बताई दीजिएगा कि क्या ये वजाहत आपके और मेरे या आम लोगों के लिए जितना भी हजम करना मुश्किल हो क्या जमात के अंदर इस वजाहत को कबूल किया जा रहा है जो उन्होंने पेश किया ये इतना ही कबूल किया जा रहा है जमात के अंदर कि आप को शायद आज और कल बहुत कम लोग हैं जो इसका दिफा करते हुए टीवी पर नजर आए बहुत से लोगों ने इनकार कर दिया है टीवी पर आने से कि वो दिफा नहीं कर सकते इस चीज़ का कोई कहानी ऐसी अब मैं मुझे अली अमीन गंडापुर साहब की कहानी सुन के वो एक बचपन में हम लतीफा सुनते थे मुझे लतीफा याद आ गया कि एक बादशाह था उसका बड़ा प्यारा उसको बड़ा प्यारा हिरन था एक वो गुम गया पूरी दुनिया की पुलिस आई ढूंढती रही लेकिन किसी को वो हिरन नहीं मिल रहा था पाकिस्तान की पुलिस ने कहा सर हम कर देते हैं वहां गए तो जब वो जंगल से बाहर आए तो उनके हाथ में एक हाथी की रस्सी पकड़ी हुई थी और वह हाथी कह रहा था कि मैं हिरन हूँ मैं हिरन हूँ इस वक्त अली मीन साहब कह रहे हैं कि मैं हिरन हूँ मैं हिरन हूँ प्रॉब्लम यह है कि सब जानते हैं कि जो स्टोरी वो बता रहे हैं आ, उसके ऊपर ये शेर आया शेर आया अभी आपने सुलेमानी टोपी का जिक्र किया कि कैसे वो पहुंचे रेड जोन में कैसे वो निकले रेड जोन से क्या हो रहा था किस तरह उनके पास एक फ़ोन 24 घंटे उनके हाथ में नहीं आया कि वो किसी को फ़ोन करके बता सकें कि मैं छुपा हुआ था और किस तरह देखें ये भी करामात बता रहे हैं वो जो केपी हाउस में छुपे रहे और पुलिस और रेंजर्स उनको ढूंढ ना सकी जो पूरे केपी हाउस में उनको ढूंढ रही थी तो ये बहुत सारी हरिकानियां उन्होंने बता, बताने की कोशिश की है लेकिन वो मगर एज अ एज अ जर्नलिस्ट यू डू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट कि तहरीक इंसाफ एक बड़ी बड़ी

ये मेरी तो समझ से बात जो बाहर है वो ये कि आखिर तरीके इंसाफ की स्ट्रैटी क्या है क्योंकि एक तरफ ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब कहते हैं इस्टेबलिशमेंट से बातचीत नहीं होगी दरवाजे बंद हो गए अब एहतजाज होगा और आपको एक ऐसे दो वाक्यात हुए हैं जब आप एहतजाज करना चाहते थे एक दिन अली अमीन सात घंटे के लिए गायब हो गए एक दिन चौबीस घंटे के लिए गायब हो गए लेकिन जब बाहर निकल के स्टोरी सुनाते हैं तो वो प्रोटेक्टिव स्टोरी है वो मैं हिरन हूँ मैं हिरन हूँ वाली स्टोरी है कि आ, वो नहीं बताना चाहते और और ताल्लुक ठीक रखना चाहते वो एक वो, हमारे वो, 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 वो 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 पुराने वक्तों में एक और लीफा सुनते थे वो एक गाँव का कमी था तो वो चला गया गाँव के चौधरी के पास उसकी बेटी का रिश्ता लेने जब उसने रिश्ते की बात की तो चौधरी ने अपने बंदों को हुक्म दिया इसको मारो और उन्होंने इतना मारा कि बेचारा कमी बेहोश हो गया थोड़ी देर बाद उसको ऊपर पानी फेंका उसको होश आया तो कपड़े झाड़ते हुए पूछता है कि चौधरी साहब ताडे बनू फिर मैं ना ही समझा मसला है कि हर थोड़े से सब आपको लतीफे सूझ रहे इधर सूझे का वजी आला गुमशुदा हो जाता है सर फिर वापस आके एक रुदाद बयान करते हैं जिसको कोई खरीदता नहीं है बाद वो आके क्योंके, क्योंके वो लतीफा क्योंकि हाँ। वो वापस आके काशि वेदो तो मोहसन नकवी के ऊपर ही सवाल उठा दिया सिरे से गो इस मुल्क का वजी दाखिला को नहीं पता था कि इस्लामाद में किधर है एक चीफ मिनिस्टर इस हुकूमत को नहीं पता था विच गोज ऑन टू से टेल यू के कितने कंट्रोल में है या कितने बाखबर है देखिए ये कहानी इतनी सादी नहीं है जितनी सादी हम इसको हुँ, देख हुँ, रहे हैं कि मौसम साहब को पता ही नहीं था मतलब रेड जोन में रेड जोन में तीन सरकारी गाड़ियां जिसका पता है कि मतलब आप बयानबाजी देखें और आ जाए हम देख लेंगे नहीं घुसने देंगे वहां से अली अमीन पहुंचते हैं के पी हाउस रेड जोन के अंदर तो किसी ने नहीं देखा होगा वो वहां पर वहां से अगर अली अमीन की स्टोरी मान भी ली जाए तो बाहर भी निकलते हैं कहीं ना कहीं बहुत सारा कुछ आ, ऐसा है जो हुआ भी है जो हाउस को भी, सील के पास कर दिया गया। पे भी किया गया रेड भी की गई दिस वॉज प्लेंग विदायर वानब से आज फिर सील कर, ये सील कर दिया गया है किसने क्या पाया है पिछले अड़तालीस घंटों में वॉट पीटीआई ने क्या पायाकूमत कहां खड़ी है देखिए हुकूमत तो कोशिश कर रही है कि जो तहरीक साहब जो भी करना चाहे उसको ख़त्म करे उसको उसको नाकाम करे अपनी पोलिटिकल जो भी प्लानिंग है उसमें उसको पूरा ना होने दे मैं मेरा असल मसला ये है कि जब तहरीकन इंसाफ ने कॉल दी इस्लामाबाद आने की और ये मेरा ख्याल तीसरी या चौथी कॉल है पिछले डेढ़ हफ़्ते में दो हफ़्ते में जिसमें अली अमीन एक काफिला बनाते हैं पिशावर से और वो पेशावर से के पी से काफ़िला या इस्लामाबाद आता है या लाहौर जाता है कब तक आखिर मेरा ख्याल था कि इसमें कुछ अचीव करना चाहते होंगे क्या मकसद सिर्फ डी चौक पहुंचना था ये तो आ, म, मुझे तो इससे कोई इस तरह पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव होता नज़र नहीं आ रहा कि इससे कोई ऐसा चीज़ वो हासिल कर ले देखिए या तो प्लान ये होता कि पचास हज़ार बंदा आएगा वो यहाँ पे धरना दे देगा या वो, वो, वो कहीं ऐसी ऐसा कोई मुतालबा कर देंगे जिससे बहुत कुछ हो जाएगा बस सिर्फ लोगों का इस्लामाबाद आ जाना और डी चौक में हज़ार दो हज़ार पाँच हज़ार दस हज़ार बंदे का आ जाना और से कोई मकसद अचीव नहीं हुआ तो तो ये तरीके का पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है गोल क्या क्या है है उसके लिए स्ट्रेटजी बड़ी कंफ्यूजन है सारे में धरने जलसे आपको याद होगा इमरान खान साहब ने बड़े बड़े जलसे किए जब उनको हुकूमत से निकाला गया और बहुत बड़े ऐसे ऐसे जलसे जिनको देखकर लगता था कि शायद शहर के सबसे बड़े जलसे इमरान खान साहब ने किए होंगे उन शहरों में लेकिन क्या हुकूमत गिरी नहीं गिरी हुकूमतें ऐसे थोड़ी गिरा करती हैं कि आप एक जलसा लेकर आ जाएंगे या एक जलसा कर लेंगे एहत कर लेंगे आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि ये करना क्या चाह रहे हैं मेरा तो पहला ख्याल ये था कि एहतजाज आसान तरीका होता है हुकूमत को अनर्व करने का और हमारी हुकूमत माशा मोहसिन नकवी जैसे लोग इतनी आसानी से अनर्व हो जाते हैं यानी एक काफिला आ रहा है या वो कहते हैं हम एहतजाज करेंगे मोटरवे खोद दिया एक्सप्रेस वे खोद दी नजर आ रहा है वो ट्रेने लगी काम करी आई मीन कैन यू इमेजिन के पाकिस्तान में उसको एक एहत को रोकने के लिए सब कुछ हो रहा था इमरान मैं लास्ट टाइम भी कहता हूँ मैं कहा, खान साहब शायद जेल बैठ के हासिल हो देखो मैं एक शहर की कॉल देता हूँ उस शहर को पूरे को बंद कर देते हैं सो so, जो काम इमरान खान चाहते हैं करना वो ये हुकूमत पूरा कर देती है शहर बंद हो जाता है दाखिली रास्ते बंद हो गए कंटेनर लगे हैं स्कूलों में छुट्टियां अनाउंस हो गई सो आई पीटीआई की स्ट्रैटी अगर हुकूमत को तंग करने की हुकूमत तंग, तंग तो हो रही है लेकिन क्या ऐसे हुकूमत गिर जाएगी बड़ा मुश्किल है Uh, काशिफ uh, सच की कौन सी लेयर कब सामने आती है ये तो uh, वो प्याज है सर के छीले जा रहे हैं रोए जा रहे हैं छीले जा रहे हैं रोए जा रहे हैं सच नहीं आ रहा सामने सर uh, मगर अब uh, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इमरान ख़ान का भी भरोसा गंडापुर साहब के ऊपर मुतजल हो सकता है आफ्टर एवरी थिंग दट इज़ हैपन एंड द बिगर क्वेश्चन सर uh, आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे हैं मौलाना से आज फिर मिले हैं uh, तीन बड़े मिले हैं जरदारी साहब शबाज शरीफ़ साहब नवाज शरीफ साहब ही uh, स्टिल नॉट बजिंग लेकिन सबसे पहले जो आपने इमरान खान साहब के भरोसे की बात की आई ये तो खैर खान साहब खुद ही बता सकते लेकिन मेरा बड़ा सवाल खुद अब भी वही है कि 24 घंटे अली अमीन गंडापुर कान थे और क्या वजह है कि पार्टिया में कोई और कहानी सुनाती है और अली अमीन जो फ्लोर ऑफ द हाउस जाते हैं के पी के वो कोई और कहानी सुनाते हैं वो ऐसी अली फिलहाल की दास्तान सुना रहे हैं जो कोई नहीं मान रहा <coughs> इमरान रियाज उनसे मिलने गए उन्होंने ये बताया कि मैं यहाँ कैसे पहाड़ी पर चढ़ा और कैसे मैं पिछली रोड पर उतरा फिर इमरान रियाज ने अपने ही उस पेज पर एक सवाल पुट किया के या, या ट्विटर पे कि कितने लोग इतफ़ाक करते हैं जो स्टोरी अलीमी ने सुनाई है पचहत्तर हज़ार ने वोट किया अट्ठासी फीसद के तरीकेमी की कहानी से हम इतफाक नहीं करते सो सारों को पता है कि हुआ क्या है अब मसला यह कि जिसके साथ हुआ अगर वही नहीं बताना चाहता तो कोई दूसरा क्या बताएगा ये काम तो और जिम्मेदारी तो अली अमीन की है वो क्यों नहीं बता रहे असल सवाल ये है जैसे वो क्या ना आपने कहा भरोसा शायद खान साहब को होगा या खान साहब को पता होगा कि क्या हो रहा है ये अब खान साहब ही बता सकते हैं बारह दिन के लिए या दस दिन के लिए भी खान साहब की भी मुलाकातों पर पाबंदी हो गई वरना खान साहब ख़ुद बता देते हैं। सारे साफी आते हैं तो उनको बता देते हैं कि सर अंदर खाने हुआ क्या दूसरा आपने नंबर्स की बात की देखिए नंबर तो उस दिन भी शॉर्ट थे जिस दिन रात को असम्बली का अजलास होना था और तरमीम होनी थी मौलाना साहब अगर शामिल होते भी तब भी आपको याद होगा कि तरीके से आपके कुछ लोग पंजाब हाउस में मौजूद थे जिनका जिन्होंने वोट डाले थे जो मेराक्यूल नेक्स्ट डे अपेयर हो गए थे सो नंबर तो शॉर्ट है मौलाना साहब साथ हों तब भी शॉर्ट है ना हो तब भी शॉर्ट है ना हो तो तब तो कुछ लोटे बनाने हैं जिसका एक फैसला भी आ गया सिक्सटी थ्री ए का वो इसीलिए इतनी उजलत में आया ताकि अगर कोई शॉर्टेज हो नंबर्स की तो आ, नंबर बाहर से बंदे इकट्ठे करके पूरे कर लिए जाए लेकिन मौलाना देखें अभी तक कुछ चीज़ों में नहीं मान रहे लेकिन एक दो तीन चीज़ें हुकूमत ने कंसीड कर दिए मिलिट्री कोर्ट्स नहीं है आर्टिकल आठ में जो इंसानी हकूक की को कॉम्प्रोमाइज किया गया था वो खत्म कर दिया गया लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर आखिर में और कुछ ना हुआ तो आईनी कोर्ट तक तो मौलाना साहब को मनाया जा सकता है कि एक आईनी कोर्ट बना दी जाए हो सकता है माइनस बहुत बहुत पीपल एक आईनी कोर्ट की पावर्स के ऊपर डिस्प्यूट हो जाता है आईनी कोर्ट्स की पावर्स के ऊपर सर के यू डोंट मेक इट ऑल पाफ एंड डोंट मेक सुप्रीम कोर्ट बहुत 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 शुक्रिया रऊफ हसन काशिफ अब्बासी गवर्नर के हमारे साथ मौजूद थे